Hello everyone, welcome to YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास डिस्कस करेंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास 55 डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है. इससे पहले 54 क्लासेस कर चुके हैं कल तक के, तो प्लीज़ जिसने नहीं देखा है एक बार जाके गो थ्रू कर ले. और जो भी हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचेगी जैसे ही अपलोड होती है किसी भी सब्जेक्ट की. उसके बाद बोलते हैं हम लोग, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड कलीग को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको ज़्यादा यूटिलाइज कर सके. आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है. उसमें पहला आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है, दूसरा आपका OS वर्चुअलाइजेशन होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन कहते हैं. हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और OS वर्चुअलाइजेशन, ये दो आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. दैट इज टू मेजर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर एम्प्लॉयड इन द सर्वर वर्चुअलाइजेशन. सर्वर वर्चुअलाइजेशन में दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है. पहला आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज होता है और सेकेंड आपका OS वर्चुअलाइजेशन यूज होता है, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से. हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हाइपरविजर. तो हाइपरविजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो होती है वो आपका बेस्ड होता है हाइपरविजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे. बेयर मेटल हाइपरविजन, बेयर मेटल हाइपरविजन आपको याद होगा मैंने टाइप वन करके लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था. तो वो सारी चीज़ें अगर आपने पहले के क्लास देखी है तो आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे, और नहीं देखी है तो फिर दिक्कत आएगी. तो इससे पहले एक बार जाके गो थ्रू कर लिया करो, उसके बाद आप आगे फर्दर वीडियो देखा करो, वरना फिर आपको दिक्कत लगेगा, आपको हार्ड लेवल दिखेगा. वर्चुअलाइजेशन बेयर मेटल हाइपरविजर टाइप वन वर्चुअलाइजेशन और सिंपली हाइपरविजर, इसको हम लोग जो हाइपरविजर बेस्ड आपका वर्चुअलाइजेशन होता है उसे हम बेयर मेटल हाइपरविजर भी बोलते हैं, टाइप वन वर्चुअलाइजेशन भी बोलते हैं जैसा कि मैंने बताया, और सिंपली हाइपरविजर भी बोलते हैं. तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में, जो कि बेस्ड होता है आपका इसके बेस पे होता है, आपका हाइपरविजर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे होता है. After that, moving on, the virtualization technology has a virtualization layer running immediately. तो जो virtualization technology होता है उसमें आपका एक virtualization layer होता है जो कि run करता है immediately on the hardware, which divides the server machine into several virtual machine or a part-time partitions. तो basically क्या होता है, जो server machine होती है ना वो हर एक several layers को एक virtual machine के partition में डिवाइड करती है, सो दैट हर एक लेयर अलग से पता चलती है. विद अ गेस्ट OS रनिंग इन दीज मशीन्स, तो जो भी हमारा गेस्ट OS होता है वो भी दिखता है. अभी मैं एक आर्किटेक्चर आपको OS वर्चुअलाइजेशन का आर्किटेक्चर भी बताऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फर्दर कि हाँ हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या रिलेट करके पढ़ा है, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट द बाइनरी ट्रांसपेरेंसी इज प्रोवाइडेड बाय वर्चुअलाइज्ड अप्रोच एंड प्रोडक्ट. जो बाइनरी ट्रांसपेरेंसी होती है वो प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइज्ड अप्रोच को, जो कि प्रोडक्ट एनेबल करता है ट्रांसपेरेंसी फॉर OS मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन. तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी किसके लिए है, फॉर OS दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिडलवेयर एंड द फॉर एप्लीकेशन. तो ये सारी चीज़ें के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है. अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट. तो जो हमारा सेकेंड पार्ट था दैट इज OS वर्चुअलाइजेशन. OS वर्चुअलाइजेशन क्या होता है वो उसको डिस्कस करेंगे. OS वर्चुअलाइजेशन अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे अपने टर्म्स में बता सकते हो. दिस टाइप ऑफ अ सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन. जो ये इस टाइप का जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है वो बेस्ड होता है आपका OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे, OS लेवल वर्चुअलाइजेशन पे और टाइप टू वर्चुअलाइजेशन पे. तो अभी टाइप वन डिस्कस करके आया है. अभी जो ये वाला OS वर्चुअलाइजेशन है उसे हम OS बेस्ड वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, या आप कह सकते हो OS लेवल वर्चुअलाइजेशन कहते हैं, या फिर आप टाइप टू वर्चुअलाइजेशन भी कह सकते हो. टाइप वन ऊपर वाला, टाइप टू नीचे वाला. OS वर्चुअलाइजेस क्रिएट द वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट. जो OS वर्चुअलाइजेशन है वो क्रिएट करता है वर्चुअलाइजेशन इन्वायरमेंट को, वेयर यू नो इट एंड्स दैट इन्वायरमेंट विद इन द सिंगल
इंस्टेंस ऑफ ओएस, एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ ओएस से वो यू नो ओएस वर्चुअलाइजेशन क्रिएट होता है फॉर द वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, दैट इज वर्चुअलाइजेशन एनवायरमेंट क्रिएट बाय द ओएस। ओएस आर ऑफन कॉल्ड कंटेनर्स। तो बेसिकली जो वर्चुअल एनवायरमेंट होता है वो क्रिएट किया जाता है ओएस वर्चुअलाइजेशन के थ्रू एंड आर ऑफन कॉल्ड कंटेनर, उसे हम लोग कंटेनर भी बोलते हैं। बिकॉज ऑल द वर्चुअलाइजेशन एनवायरमेंट मस्ट शेयर रिसोर्स ऑफ अ सिंगल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन से, क्योंकि हर एक सारे वर्चुअलाइजेशन एनवायरमेंट के लिए शेयर रिसोर्स जो होता है हमारा सिंगल ओएस, व्हाइल हैविंग अ प्राइवेट वर्चुअल ओएस एनवायरमेंट, हमारे पास चाहे प्राइवेट वर्चुअल ओएस एनवायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरमेंट हो, अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी मे अल्टर द फाइल ओरिएंटेशन। और जो अब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होता है तो फिर वो अल्टर कर सकता है फाइल सिस्टम ओरिएंटेशन में एंड ऑफन इंट्रोड्यूस एसेस रिस्ट्रक्शन टू द ग्लोबल सिस्टम कॉन्फिग्रेशन और सेटिंग। तो बेसिकली ग्लोबल कॉन्फिग्रेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन के लिए वो यूज हो सकता है फॉर द ग्लोबल सिस्टम कॉन्फिग्रेशन और सेटिंग, फाइल सिस्टम ओरिएंटेशन अल्टर कर सकता है फॉर दैट प्रोसेस। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग द आर्किटेक्चर ऑफ ओएस वर्चुअलाइजेशन, जो कि मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगी, तो वो डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं बोलूंगी कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता है तो, बाकी तो इजी है, अगर आप एक दो बार भी पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली इसका थ्योरी भी बना के लिख सकते हो। आर्किटेक्चर की बात करें तो पहले एक पूरा सा एक लंबा सा बॉक्स बना लेना, जिसमें फर्स्ट लेयर आपका जो होगा वो एप्लीकेशन होगा, इस साइड पे भी एप्लीकेशन होगा, गेस्ट ओएस होगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इधर भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इन दोनों को एक सिस्टम ऑफ लेयर में बंद करके एक पूरे बॉक्स में बंद कर सकते हो, क्योंकि ये एक अलग का पार्ट होता है। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन और इधर होगा आपका हाइपरविजन। एप्लीकेशन और हाइपरविजन होगा, उसके बाद जो उसको होस्ट करेगा दैट इज होस्ट ओएस, होस्ट ओएस उसे बोलते हैं, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कह सकते हैं आप। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा नेक्स्ट लास्ट में जो कि हार्डवेयर लेयर, और ये पूरा बन जब होगा उसको कहेंगे हम ओएस वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, एप्लीकेशन दोनों साइड पे, गेस्ट ओएस है दोनों साइड पे, एप्लीकेशन हाइपरविजन, एंड देन होल यू हैव योर होस्ट ओएस दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन लास्ट इज योर हार्डवेयर। तो ऑल जम अप विद ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। तो इसको नोट डाउन कर लेना एंड जो भी डाउट होगा तो मुझे क्लास बता देना आप लोग। ठीक है, तो क्लास आज के लिए इतना ही। Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give your suggestion on a comment box. Thank you.